मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। इसका नाम मोगली है। कुछ वोल्स के साथ वहाँ भाग रहा था कि वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। नाम बगीरा था। बगीरा जो कि एक ब्लैक पैंथर था, फिर भी वो वोल्स के साथ रहा करता था और मोगली को भी उसने वोल्स के तरीके सिखा दिए थे। तभी हम देखते हैं कि मौसम गर्मियों का आता है, हर तरफ पानी की कमी हो जाती है। जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सब जानवर मिलकर नदी के किनारे जो पानी बचा हुआ है उसको जाकर पियेंगे। वहाँ पर मोगली भी आता है। का जो लीडर था उसने मोगली को दोनों के तौर तरीके अपनाने से मना किया था और मोगली को उसने ये कहा था इंसानों की तरह नहीं भेड़ियों की तरह रहना होगा। तभी हम देखते हैं सभी जानवर मिलकर पानी पी रहे थे। जानवर मोगली को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा जानवर देखा नहीं था। तभी वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और हम वहाँ पर एक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम शेर खान था। शेर खान को वहाँ पर इंसान की स्मेल आती है। वो ये कहता है कि हमारे दरमियान कोई इंसान मौजूद है। अब शेर खान मोगली को देख लेता है और वो ये कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। तभी वहाँ पर वॉल्फ का लीडर आ जाता है और वो ये कहता है कि ये हमारे झुंड में से है और हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। अब शेर उन्हें कहता है कि आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और ये जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब जो सब जानवरों में इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा और तब मैं मोगली को उठाकर यहाँ से ले जाऊँगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो सब जानवरों को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है और अब सब के सब वोल्स मोगली के लिए बहुत ही परेशान थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब वोल्स के दरमियान में एक मीटिंग होती है। वोल्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को साथ रखना है या नहीं, क्योंकि ये वोल्स अगर मोगली को अपने साथ रखते तो शेर खान भी इनका दुश्मन बन जाता। मगर अब मोगली अपने वोल्स साथियों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मोगली सब वोल्स के पास जाता है और जाकर ये कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वहाँ पर बगीरा भी होता है और वो भी यही कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना बेहतर होगा। ब्लैक पैंथर बगीरा उनसे कहता है कि मुझे इंसानों का एक गाँव पता है, मैं मोगली को वहाँ छोड़ आऊँगा। जो मोगली की मदर रक्षा थी वो ये कहती है कि मैं मोगली को अपने पास से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होने दूँगी। मगर अब मोगली को तो यहाँ से जाना था। इससे पहले मोगली को कुछ समझ आता शेर खान मोगली पर हमला कर देता है। बगीरा शेर खान से लड़ता है और अब मोगली वहाँ से भागना शुरू कर देता है। शेर खान बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बगीरा शेर खान का मुकाबला नहीं कर पाता। शेर खान बगीरा को हरा देता है और इसके बाद वो मोगली का पीछा करता है और जैसे ही वो मोगली को पकड़ने वाला था तभी वो वहाँ पर भागती हुई भैंसों से टकरा जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाता है मोगली। वो एक भैंस को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। इस बात पर शेर खान को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब शेर खान उस जगह पर जाता है जहाँ पर वोल्स रहते हैं। वोल्स शेर खान को बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। अब शेर खान कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया। और अब वहाँ पर वोल्फ का जो लीडर था उससे शेर खान की फ़ाइट हो जाती है जिससे वोल्फ के लीडर की डेथ हो जाती है। उस लीडर को उठाकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अब सभी वोल्फ बहुत ज़्यादा डर गए थे और शेर खान ने उनके इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। मोगली दिखाया जाता है जो अभी भी भैंस के ऊपर था। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें एक चट्टान के ऊपर से गुजर रही हैं और उस चट्टान का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो देखता है कि ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है। मोगली को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वो उन फलों को तोड़ने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और जानवर आते हैं, वो मोगली के फलों को उठाकर भाग जाते हैं और अब मोगली इस घने जंगल में आकर रास्ता भी भूल चुका था। अब जब मोगली एक दरख्त के पास से गुजर रहा था तभी उसके पास एक पाइथन
स्नेक आ जाती है। वो मोगली को हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मोगली को अपना पास याद आता है जब वो बहुत छोटा था। वो अपने पास में देखता है कि किस तरह उसके फादर ने उसको शेर खान से बचाया था। उसके फादर के हाथ में एक जलती हुई मिशाल थी, जिससे उन्होंने शेर खान पर हमला भी किया था। जब शेर खान ने उसके फादर को मार दिया था, अब दोबारा से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां पर हम वही पाइथन स्नेक को देखते हैं। ये पाइथन स्नेक मोगली को अपनी बातों में लगा रही थी ताकि वो मोगली को खा जाए। और जब ये मोगली को खाने वाली थी, तब ही वहाँ पर एक बेर आ जाता है, जिसका नाम बल्लू था। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो वो बल्लू को अपनी आंखों के सामने देखता है। अब बल्लू मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मोगली बल्लू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मोगली इंसानों की तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। बल्लू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो मोगली को कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ रुक जाओ, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे और सर्दियों में खूब मज़े करेंगे। मगर मोगली बल्लू से कहता है, मुझे यहाँ पर बगीरा ने रुकने से मना किया है। बल्लू कहता है कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बल्लू मोगली को उस जगह पर ले गया था जहाँ से इंसानों की बस्ती नज़र आ रही थी, पर अब बल्लू तो मोगली को कन्विंस कर चुका था। बल्लू और मोगली मस्ती कर रहे थे, यहाँ पर बगीरा आ जाता है। मोगली जैसे ही बगीरा को देखता है, वो उसके गले लग जाता है। वो मोगली को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब जब रात को सभी सो रहे थे, तब मोगली की आँख खुलती है। वो देखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ था। वो वहाँ पर एक रस्सी लाता है और उन हाथियों की मदद करता है। अब वहाँ पर बगीरा और बल्लू भी थे। जब वो ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने वुल्फ के लीडर को मार दिया है और उसका अब अगला शिकार मोगली है। बल्लू जब ये सुनता है कि शेर खान मोगली के पीछे है, तो अब वो मोगली के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तो शहद जमा करने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। बल्लू ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि वो ये जानता था कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता। मोगली एक दरख्त पर जाके बैठ जाता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और वो मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो बंदर मोगली को उठाकर एक चट्टान पर ले जाते हैं जहाँ पर इनका किला था और वहाँ पे इनका बादशाह भी था। बगीरा और बल्लू भी उन बंदरों का पीछा करते हैं। बल्लू उस मंकी किंग को अपनी बातों में उलझाता है और बगीरा मोगली को इशारा करता है भागने के लिए। अब जब मोगली और बगीरा वहाँ से भागते हैं, तभी एक बंदर इनको वहाँ से भागते हुए देख लेता है। बगीरा और बल्लू बाकी बंदरों से मुकाबला कर रहे थे। अब मोगली भागता भागता खंडरों में आ जाता है। अब वहाँ पर मंकी किंग उसका पीछा करता है, मगर वो मंकी किंग किले के मलबे के नीचे दब जाता है। अब मोगली सबसे पहले इंसानों की बस्ती में जाता है, जहाँ पर वो जाकर ये देखता है कि आग जल रही है, जिससे सभी जानवर डरते हैं। और अब वो वहाँ से एक मशाल लेता है। उस मशाल की चिंगारियाँ सूखी घास पर गिर जाती हैं, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। वहाँ पर शेर खान भी था। वो मोगली को देखता है और कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया है, तुम भी इंसानों की तरह ही हो। जब अब मोगली पीछे देखता है, तो वो ये देखता है कि पूरे जंगल को आग लग गई थी। अब जो उसके साथी वुल्फ थे, वो भी मोगली से डर रहे थे। मोगली उस मिशाल को पानी में फेंक देता है, कहता है कि देखो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया यानी वोल्फ हूँ। और अब मोगली को शेर खान कहता है कि अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। जब शेर खान मोगली पर हमला करने के लिए आ रहा था, तब ही सब जानवर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। मोगली दरख्त की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और उस दरख्त पर चढ़ जाता है। उधर शेर खान ने सभी जानवर को हरा दिया था और वो भी मोगली के पीछे था। मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी पर चढ़ता है जो कि टूटने वाली थी। शेर खान के वेट की वजह से वो टहनी
टूट जाती है और शेर खान जलती हुई आग में गिर जाता है। मोगली ने जो रस्सी बनाई हुई थी वो उससे बच गया था। और दूसरी तरफ मोगली के सब ही साथियों को शेर खान ने घायल कर दिया था। वो सब ही मोगली के लिए बहुत परेशान थे। तभी वो देखते हैं कि मोगली एक हाथी पर बैठ के वापस आ गया था और वो उन हाथियों की मदद से नदी के रुख को बदल देता है, जिसकी वजह से नदी का पानी जंगल की तरफ चला जाता है। अब जंगल में जो आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ जाती है और अब मोगली को दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूम रहा था। और अब बल्लू भी इनके साथ रहने लग गया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।